क्या बात कर रहे हो? कौन बात कर रहे हो? मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। मैडम ये बोल रहा था, अभी देखिए 2 सिलेंडर का इंतजाम हुआ है, 20,000 रुपए का पड़ा है, वो लेडीज है। नहीं 20,000 का हम वाला ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन तो वो ये बोल रहे हैं कि 48,000 का पड़ेगा वो। 48,000 का जी मैम पॉसिबल नहीं है, लेट नाइट तक हो सकता है, और वो भी अगर उनके पास ब्लैंक होंगे तो। नमस्कार, मैं प्रज्ञा मिश्रा बात कर रही हूँ, क्या 2 ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज हो पाएंगे? अब है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जनता मर रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है, लेकिन सरकार मुर्दों के ढेर पर खड़े होकर लाशों को झुटला रही है। बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है। यूपी बीजेपी की सरकार ने अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की तो आंदोलन करूंगा, धरने पर बैठूंगा। तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मगर सरकार कह रही है कि अजी क्या बात करते हो जनाब, लखनऊ शहर में सरकार के पास इतनी ऑक्सीजन है कि भगवान के पास नहीं होगी। ससुरे पेड़ पौधे इतनी ऑक्सीजन नहीं बनाए होंगे जितनी हम बनाए हैं। चलो हटो, कोई आदमी ऑक्सीजन से नहीं मर रहा है। सुनिए मिस्टर खन्ना जी, भगवान से डरिए, ऊपर वाले की लाठी से डरिए। यह आपकी पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये 25 करोड़ लोगों का उत्तर प्रदेश है। यहाँ आपको केवल 5 साल सेवा के लिए रखा गया है। लोग ऑक्सीजन के लिए रात रात भर लाइनों में लगते हैं, एक एक सिलेंडर 48,000 रुपए का बिक रहा है। मंत्री जी क्या आप होश में हैं? झूठ बोलते हुए थोड़ा तो लिहाज रखिए, आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं कि आपको कुछ कहा भी नहीं जा सकता। खन्ना जी, उत्तर प्रदेश आपको बहुत पढ़ा लिखा समझता है, सरकार की चापलूसी में झूठ बोलने से बचिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। मुख्यमंत्री जी बाहर निकल कर देखिए, बाहर दूध की नदियां नहीं बह रही हैं, लाशों का मेला लगा हुआ है, हर चीज का अभाव है, कोई चीज पूरी नहीं है। अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, शमशान घाट कम पड़ गए हैं, ऑक्सीजन से हाहाकार है। आप कहते हैं कि किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, जिन खबरों को आप माहौल पैनिक करना बताते हैं वो सच्चाई है। सच तो ये है कि आप लोगों की नादानियों ने, आप लोगों की अनुभवहीनता ने आपके रैली प्रेम से यूपी दोसख बन गया है। दोसख, जिसकी माँ बिना ऑक्सीजन के तड़प रही है, जिसका बेटा ई रिक्शा में पैरों के नीचे मरा पड़ा है, जिनके बेटे मर गए, जिनकी बेटी मर गई, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिन्होंने 15 दिन में अपना भाई खो दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, जिनको ये पता चलता है कि अब मात्र 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, वो पैनिक ही होगा ना, पिकनिक तो नहीं मनाएगा। खैर चलती हूँ, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।